हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो भाई मैं आज आ चुका हूँ अपने शहर के एक प्राचीन मंदिर में। तो भाई आपको चलो दिखाते हैं और चलो दर्शन कराते हैं आपको। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और आगे दिखाते हैं और मंदिर का दर्शन कराते हैं और यहाँ के बारे में भी बताएंगे। आपको भी बता देता हूँ मैं कहाँ आया हूँ, उल्टा गढ़ा आया हूँ मैं। ये लगभग यहाँ से गौरीगंज से पड़ता है 8-8 किलोमीटर और क्या कहते हैं अमेठी से पड़ता है ये लमसम 12-12 किलोमीटर। तो चलिए आपको चलते हैं, घुमाते हैं और चलिए आपको दर्शन से यहाँ प्रसाद उरसाद ले लेते हैं थोड़ा, तो उसके बाद चलते हैं। तो ये आया मेरे छोटा भाई भी आया साथ में, मेरे दादा के लड़के भी आए हैं साथ में। भैया फूल उल क्या है कैसे दे दीजिए, प्रसाद ले लेते हैं फिर। भाई प्रसाद उरसाद ले लिया है और चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं और इसके बारे में भी आपको कुछ बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। आज मंगलवार को मैं आया हूँ, यहाँ बहुत मेला उला लगता है, यहाँ मंगलवार और शनिवार दोनों दिन यहाँ मेला लगता है। तो चलिए आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं। आप ये देखिए बहुत भीड़ है आज। दुर्गा जी का विशाल मंदिर है, ले आए भैया। वो सब तू ले लिया, पर पकड़े था ले लिया। भाई ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं ने बनवाया था, सत्य प्रकाश सिंह चंद कौशिक नाम है इनका। आओ भाई, यहाँ हनुमान जी की पूरी सेना है, ये देखिए। भाई मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ और ये देखिए आप, सुरसा डैम का वो है। तो चलते हैं, इनके मुख से होके अंदर जाना पड़ता है। ये देखिए बाबा जी तिलक, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं 55 फुट की मूर्ति है हनुमान जी की। यहाँ घंटियाँ वंटियाँ लगी हैं, लिए आपको घुमा देते हैं थोड़ा। और ये देखिए पूरी बानर सेना है यहाँ हनुमान जी की। अब देख सकते हैं 55 फुट की मूर्ति है भाई, यहाँ पूरे जिले में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची मूर्ति है, यहाँ 2-3 जिलों में आसपास के। तो भाई मैं इसके बारे में आपको कुछ थोड़ा बता देता हूँ। तो भाई ये जब सीता जी का हरण हो गया था तो उनको जो रावण उठा ले गया था लंका, तो जब वो हनुमान जी जा रहे थे समुन्दर पार करके लंका जा रहे थे, तो बीच में सुरसा डायन आती हैं कि मैं तुम्हें खाऊंगी, तो उसी का ये चित्र यहाँ दर्शाया गया है थोड़ा बहुत। और भी 3-4 मंदिरें हैं यहाँ, उसके भी आपको हम दर्शन कराएंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ ये सुरसा डायन, तो हनुमान जी अपना कद बहुत बड़ा कर लेते हैं, तो उसी मतलब फिर उनके पेट से होके वो वापस आ जाते हैं, सुरसा डायन के पेट से होके वो वापस आ जाते हैं, तो उसी का यहाँ चित्र दर्शाया गया है थोड़ा बहुत। यहाँ पहले बहुत मतलब कच्चा मंदिर हुआ करता था, लेकिन इसको ये यहाँ के सत्य प्रकाश सिंह चंद कौशिक नाम था उनका, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो भाई उनका स्वर्गवास हो गया है। तो भाई उन्होंने ही ये पूरी मंदिर बनवाई थी, यहाँ की चारों तरफ पूरा उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। आ रहे हैं चना छोटे भाई और ये बड़े पापा के बेटे इन लोगों को, तो चलिए को दिखाते हैं और चलिए आपको यहाँ घुमाते हैं। ये देखिए आप, आज बहुत भीड़ है यहाँ, आज मंगलवार है, आप देख सकते हैं। भाई यहाँ का दर्शन मैंने कर लिया है तो और आगे आपको लेके चलते हैं, यहाँ 2-3 मंदिर और है, उसको भी आपको हम घुमाते हैं। भाई चलो चलते हैं और आगे, यहाँ का आपको दर्शन करा ही दिया और यहाँ से चलते हैं आगे। ये रास्ता है कुछ यहाँ का, 2-3 मंदिर और है यहाँ। देख सकते हैं चारों तरफ हरा भरा है यहाँ, यहाँ एक सगरा भी बन रहा है, अभी ये प्रोग्रेस में है, ये देख सकते हैं आप। अभी देख सकते हैं इन लोग की तादाद यहाँ बहुत ज्यादा है भाई। और
ये देखिए आप यहाँ का मतलब, यहाँ बहुत पुराना मंदिर है हनुमान जी का, सबसे छोटा मंदिर, मेन मंदिर है यहाँ का ये। यह तो यार यहाँ ताला मारा हुआ है, देख सकते हैं ये सुंदर हनुमान जी की मूर्ति दिख रही होगी आपको भाई। यही है यहाँ, ये सब लोग रक्षा बंधवा रहे हैं यहाँ, हम भी अच्छा बंधवा लेते हैं। अच्छा हमने बंधवा लिया है, देखिए आप। तो आइए बाबा से कुछ पूछते हैं, यहाँ के बारे में क्या है, कुछ कब से ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है पर यहाँ, आइए कुछ पूछते हैं बाबा से, कब तक का, कब बना ये इतना अच्छा। तो बाबा कुछ बताइए यहाँ के बारे में। जी यहाँ का ये मंदिर जो है तो बहुत पुराना है जी, और यहाँ यहाँ पे क्या कहते किला था जी जी। अब किसका किला है इसका कोई इतिहास नहीं मिल रहा है जी, तो पौराणिक मंदिर यही है जी। फिर उसके बाद में बाबू साहब यहाँ के सतप्रकाश संकड़ा के, हाँ हाँ, इन्होंने अपना यात्रा किया जी, तो उनके मन में ऐसा कुछ बसा, प्रेरणा कुछ हुई जी जी, जिसकी वजह से उनके मन में आया कि चलो कुछ ना कुछ कर दिया जाए जी। तो उन्होंने बड़े हनुमान जी का निर्माण कराया जी, फिर उसके बाद में सुरसा का निर्माण कराया जी, फिर उसके बाद में शंकर और पार्वती नंदीश्वर शिवलिंग का स्थापित किया जी, उसके बाद में फिर दुर्गा जी की स्थापना हुई जी, फिर लास्ट में क्या कहते हैं विष्णु जी का शेषैया पे, अच्छा अच्छा, इनका निर्माण कराया जी। तो 2007 में जी, 2007 में क्या कहते हैं इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अच्छा, 750 दिन में बड़े हनुमान जी की मूर्ति तैयार हुई। अच्छा, 750 दिन में, 750 दिन में जी। उसके बाद में फिर सब मूर्तियाँ ऐसे बनाते गए और अपना दर्शनार्थी लोग दर्शन करते गए, अपना देश देशाटन में सब जी जी दर्शन प्रसन्न अपना करते रहे जाते रहे जी। और कुछ लोगों को ले जा करके अपने पैसे से खर्चे से अपने दर्शन प्रसन्न करा दिया सबका जी, बाद में भंडारा करवाया सबका जी। अब तो वो नहीं रहे, अब तो वो नहीं रहे, अब उनके बेटे लोग संभाल रहे हैं, सब सब संभाल रहे हैं अपना, देख रहे हैं जी जी। ठीक है बाबा जी, थैंक यू। तो भाई आपने देख लिया, सुन लिया कुछ यहाँ का इतिहास, और जो बाबा मंदिर बता रहे हैं वहाँ भी आपको लेके चलते हैं, घुमा के लाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको वहाँ भी घुमा के लाते हैं। भाई आप देख सकते हैं यही है कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये विष्णु भगवान की मूर्ति, और ये लक्ष्मी माता की, ये आप देख सकते हैं। तो इसको पूरा दिखा देते हैं ऊपर, ये देखिए आप। तो भाई दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ले चलते हैं दूसरे वाले। तो भाई दर्शन कर लिया है मैंने, और आपको लेके चलते हैं दूसरे मंदिर के पास। तो भाई मैं दूसरी मंदिर के पास आ गया हूँ, तो आपको दिखाते हैं, चलते हैं लेके वहीं। भाई ये देखिए, भाई ये है शंकर भगवान की मंदिर, यहाँ नंदी बाबा शिवलिंग होती है। देखिए आप, ये है नंदी बाबा शंकर भगवान की मंदिर, और ये यहाँ है शिवलिंग एक, आइए शिवलिंग का भी दर्शन कराते हैं आपको। जय भोले बाबा की। और भाई आपको आगे ले चलते हैं, यहाँ मतलब ये चंदा वंदा दे के बना था मंदिर, तो उसमें यहाँ सबका नाम लिखा है,
ये देखिए यहाँ पूरा सबका नाम लिखा है जिन्हों जिन्होंने दिया था। भाई आपको लेके चलते हैं और आगे एक मंदिर और है यहाँ साईं बाबा की है ना। चलिए दूसरे मंदिर की तरफ, यहाँ साईं बाबा की मंदिर है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ। देखिए भाई यहाँ एक कुआं टाइप में है, देखिए पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए आप बहुत गहरा है भाई ये पानी अपना है। और ये इधर है ये साईं बाबा की, वो ये देखिए ये है चबूतरा है साईं बाबा का। भाई आपने दर्शन कर लिए यहाँ साईं, तो और आगे चलते हैं आपको और एक आध दो जगह दिखाते हैं। एक और है माता जी की मंदिर है, वो वहाँ भी आपको घुमाते हैं। वही शायद लास्ट मंदिर है यहाँ की, वहाँ भी आपको घुमा देते हैं फिर चलते हैं। तो भाई आ गए उस मंदिर के पास और आपको दिखाते हैं। भाई यहाँ चारों तरफ बंदर ही बंदर हैं, ये देख सकते हैं आपके पीछे। और ये देखिए सामने मंदिर, देखिए भाई आ गए हैं मंदिर के पास, देख सकते हैं माता जी की मूर्ति है। ये देखिए आप पुजारी बाबा बैठे हैं, उसका एक जय। आपने देख लिया यहाँ का यही लास्ट मंदिर था। तो बस यही था आज का पूरा, आपको गढ़ा दिखा दिया, घुमा दिया मैंने, तो बस यही था। और ये कुछ दूर देख सकते हैं आप पीछे, ये थोड़ा ऊंचे पे बना हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए पीछे पूरा ये सब खेत और नीचे हैं यहाँ से, सब थोड़ा ऊंचे पे है, टीला टाइप में है ये। तो बस भाई आज का यही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।